टेलीविजन जगत में कभी एक आदर्शवादी जोड़ी के रूप में मशहूर निशा रावल और करण मेहरा के रिश्ते की सच्चाई जब से दुनिया के सामने आई है उसी वक्त से लगातार दोनों सुर्खियों में बने हैं। सोशल मीडिया पर इन दोनों को लेकर लोगों के सामने रोज नए खुलासे हो रहे हैं। निशा ने करण मेहरा पर मारपीट का आरोप लगाया तो वहीं करण ने भी अपनी पत्नी के बाइपोलर बिहेवियर को लेकर बड़ा खुलासा किया है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम अभिनेता ने एक बातचीत में बताया था कि निशा ने खुद अपना सिर दीवार में मारा था। इस दौरान निशा ने सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए थे इसलिए उनके पास अपनी बात साबित रखने का कोई सबूत नहीं है। लेकिन अब निशा ने इसको लेकर बड़ा खुलासा किया है जो हर किसी को हैरान कर सकता है। एक इंटरव्यू में निशा ने इस बात को कबूल किया है कि घर के सीसीटीवी कैमरा उन्होंने ही बंद किए थे। इस बातचीत में निशा ने कहा कि हाँ मैंने कुछ समय पहले ही घर के सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए थे लेकिन उन्होंने ऐसा कदम उठाने की वजह भी बताई। निशा का कहना है कि सीसीटीवी कैमरा जब भी ऑन होता था तो मेरे और मेरे बेटे कविश के साथ करण का व्यवहार बहुत अच्छा होता था। वो कविश के साथ मस्ती करते दिखते थे लेकिन बेडरूम में करण का बर्ताव बदल जाता था। वो मेरे साथ मारपीट करते थे क्योंकि वहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था इसलिए मैंने कुछ दिनों पहले ही घर के कैमरे बंद कर दिए और पुलिस के पास जब्त हैं जिसमें हमारे घर की सारी चीजें रिकॉर्ड हैं। निशा और करण के प्यार की शुरुआत साल 2008 में हुई थी जब करण और निशा की पहली मुलाकात हुई थी। उस समय निशा एक बड़ी कलाकार थी और करण अपने कदम जमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। 5 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 2012 में इन दोनों ने शादी कर ली। निशा ने इस बात का भी खुलासा किया कि 14 साल के रिश्ते में इस एक्टर ने उन पर कई बार हाथ उठाए और बेडरूम में ले जाकर ही मारता था लेकिन करण के लिए प्यार और अपने बेटे कविश की परवरिश के कारण वो इतने सालों तक चुप रहीं। इसके अलावा निशा ने ये भी बताया कि करण और उनके तलाक होने की वजह अभिनेता का किसी और के साथ अफेयर भी है। इस एक्ट्रेस ने ये भी कहा कि वो अब तक चुप थी लेकिन आज वो मीडिया के सामने सब कुछ बताएंगी क्योंकि अब बात उनके बेटे कविश की भी है, उसकी परवरिश की भी है, उस पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। एक्ट्रेस ने कहा एक माँ होने के नाते मैं उसकी परवरिश में कोई भी कमी नहीं आने दूंगी। मैं नहीं चाहती कि हम लोग की वजह से उसका बचपन खराब हो। अब मैं उसके लिए वो सब कुछ करना चाहूंगी जो एक माँ करती है। ये रिश्ता क्या कहलाता फेम एक्टर ने अपनी पत्नी निशा के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। साथ ही कहा कि निशा को एंगल मैनेजमेंट का इशू है इसकी वजह से ना सिर्फ वो लड़ती है बल्कि कई दफा निशा खुद करण पर हाथ उठा चुकी है। ऐसा खुद करण ने बताया। उन्होंने ये भी कहा कि निशा उनसे संपत्ति के लिए इतना सब पैसा मांग रही थी और मारपीट करती हैं। और इन दोनों स्टार में अब टेलीविजन के कई दोस्त इनका सहयोग भी कर रहे हैं, कुछ सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ हैरान भी हैं कि आखिर कैसे ये जोड़ी ऐसा कर सकती है। आप भी इस जोड़ी को लेकर अपनी राय जरूर दें। करण मेहरा की कई सालों की बनी बनाई इज्जत एक झटके में तार तार हो गई। टीवी का जो नाम इज्जतदार लोगों में आता था आज उसी इंसान को बेशरम और कालिक बोला जा रहा है। जी हाँ, करण मेहरा ने एक लड़की के लिए अपनी पत्नी और बेटे को धोखा ही नहीं दिया, साथ ही अपनी इज्जत की धज्जियां भी उड़वा ली है। करण की पत्नी ने बताया कि करण अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से उनके साथ मारपीट करते थे और तलाक इसलिए नहीं लेते थे ताकि लोगों को पता चल जाएगा। अब जब लोगों को पता ही चल गया है तो लोग भी करण पर पूरी नजर रख रहे हैं और जानना चाहते हैं कि करण क्या छुपा रहे हैं, वो अपनी पत्नी पर ऐसा सलूक क्यों करते थे, या निशा झूठ बोल रही है, या निशा करण को फंसा रही है। हालांकि निशा क्यों ही अपने पति को फंसाएंगी। फैंस जानना चाहते कि आखिर किस लड़की की वजह से करण ने इतनी समझदार और एक्ट्रेस पत्नी को छोड़ दिया। उस लड़की की वजह से उन्हें मारने को मजबूर हुए थे। करण मेहरा ने पत्नी के आरोपों को झूठ बताया है लेकिन करण उन सबूतों को झूठ नहीं बता पाएंगे, उन सबूतों को मिटा नहीं पाएंगे जिसमें वो एक लड़की के साथ रोमांटिक बातें करें। ऐसा लग रहा है कि करण इस लड़की के बहुत ज्यादा करीब जा चुके हैं और यही सब बातें करण और निशा के बीच दरार बन गई। हम आपको करण और उस लड़की के मैसेज दिखाते हैं जिसमें आप भी करण की नीयत और सोच जान सकते हैं। फिर आप खुद ही बताइए कि करण सच बोल रहे हैं या फिर निशा। दरअसल इन दिनों करण मेहरा एक पंजाबी टीवी शो मावा ठड़िया छावा में नजर आते हैं। इस टीवी शो में करण मेहरा के अपोजिट हिमांशी पराशर नजर आ रही है। कम समय में ही करण मेहरा और हिमांशी एक दूसरे के बहुत करीब जा चुके हैं।
इनकी अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई है। और हिमांशी के इस वीडियो पर करण मेहरा ने कुछ ऐसा कमेंट किया कि इस पर फैंस ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम एक्टर की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हिमांशी ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए हिमांशी ने बताया कि सीन की शूटिंग करते करते उन्हें हंसी क्यों आ गई थी। इस पर करण मेहरा ने लिखा, मैंने कहा था कि इतना भी नहीं गिरना चाहिए कि आप जमीन पर आ जाओ। आपके साथ ये क्यूट मोमेंट था, आपके साथ शूटिंग करके मुझे बहुत मजा आया। करण मेहरा हिमांशी के इस लवी डवी कमेंट को देखकर फैंस का गुस्सा उफान पर पहुंच गया। करण और हिमांशी को ताना मारते हुए एक यूजर ने उनके बेटे को लेकर एक कमेंट किया। उन्होंने लिखा, कविश का क्या होगा। एक दूसरे यूजर ने लिखा, करण मेहरा जैसे इंसान इस समाज के लिए धब्बा है। आप भी करण मेहरा को लेकर कमेंट जरूर करें। निशा रावल रो रो कर बोल रही हैं, अगर आपके दिल में किसी के लिए कोई जगह है तो मुझे छोड़ दो ना, खत्म करो सब, मैं अपनी जिंदगी जीऊं और तुम अपनी उस दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड के साथ। निशा ने बताया कि करण और वो कहां तक पहुंच चुके थे, जब निशा ने खुद उनके फोन में वो सब देखा तो वो कुछ देर के लिए ऐसा फील करने लगी कि सब कुछ खत्म हो गया, जैसे उनकी जिंदगी उजड़ गई हो। अब जाहिर सी बात है, कोई इंसान 5-6 सालों से अपनी पत्नी को धोखे में रखा था, 5-6 सालों से वो पत्नी और बेटे को घर में छोड़कर दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हो तो गुस्सा तो आएगा ही, फिजिकल रिलेशन बना रहा हो और जब पत्नी को ये खबर पता चलती है तब उसका जो हाल होता है वो देखने लायक होता है, एक तरह से वो पागल हो जाती है। जी हाँ, सबसे ज्यादा प्यार करने वाली निशा ने जब अपने पति को किसी और की बाहों में देखा तो वो पागल हो गई और कई बार उन्होंने बहुत शांति से करण से सब कुछ पूछने की कोशिश की, सब कुछ शॉर्ट आउट करने की कोशिश की। वो चाहती थी करण उसे अपने मुंह से सब कुछ बता दे, मैं कुछ नहीं कहूंगी और चुपचाप चली जाऊंगी, लेकिन करण तो अपना मुंह ही नहीं खोल रहे थे। तब निशा ने सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए। निशा को जब शक होने लगा तो उसने करण के फोन पर नजर रखनी शुरू कर दी और कुछ ऐसे मैसेजेस भी देखे जिससे निशा को पता चल गया कि करण की गर्लफ्रेंड दिल्ली में रहती है और वो अक्सर उनसे मिलते हैं। इतना ही नहीं, निशा ने करण के फोन में वो सब देखा जिससे पता चला कि करण और उनकी गर्लफ्रेंड के बीच फिजिकल रिश्ता भी है। जब शक ज्यादा गहराता चला गया तो निशा ने करण का पीछा करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी आंखों से करण और उस लड़की को एक दूसरे की बाहों में देखा, तब जाकर निशा ने ये कदम उठाया। निशा ने उन चोटों के फोटो भी अपने फोन में कैद कर लिए जो करण ने उन्हें पहुंचाई थी। निशा ने मीडिया को वो फोटो दिखा दिए हैं जिसमें निशा के सिर में खून निकल रहा है, चोटों के निशान है। अब आप बताइए, करण ने तो कह दिया कि ये सब झूठ बोल रही है निशा, लेकिन अगर झूठ है तो वो चोटें कहां से आ गई? क्या निशा ने खुद अपना सर फोड़ लिया? एक महिला अपना सर क्यों फोड़ेगी? क्या निशा के खुद वो चोटें आ गई? आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दें।